Welcome to the post-match presentation. We saw Lahore Qalandars register their second win and winning this one by 29 runs comfortably in the end. First up, we have the Invirex Hamare Heroes Award, which is being presented to Mr. Hamza for his outstanding achievement in esports. Mr. Sayyed Amir Ali, on behalf of Invirex Solar Energy, will present a check of rupees 240,000 to Mr. Muhammad Hamza. Right, moving on. Now for his 3 wickets in 4 overs, just giving away the 32 runs, the HBL PSL player of the match, Zaman Khan. Huge cheer from the Lahore camp as he will sign the ball for Brighto Paints, fan of the match. Mr. Rufi Jameel, Head Learning and Development, HBL, will present HBL PSL Player of the Match trophy and check award of rupees PKR 500,000 to the man of the match, Zaman Khan. Zaman, bahut hi shandar performance, bahut hi acche aapne Yorker karaya aur 3 important wickets li. Kaisa mehsoos kar rahe hain? Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Sabse pehle main Allah Taala ka shukr ada karta hu. खुशी तो हर इंसान को होती है. वालदेन की दुआएं थी, कोशिश की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. यॉर्कर्स बड़े शानदार कराए आज खास, आपने कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस की है, ज़्यादा इस पे फेवर करते हैं? जी, हमारा तकरीबन 20 दिन से कैंप लगा था हाई परफॉर्मेंस, तो उधर में हर स्लो वन यॉर्कर, स्लो बाउंसर सब की प्रैक्टिस करता था. आपके टीम में ज़्यादा स्पीडस्टर्स मौजूद हैं, हारिस रऊफ, आज तो उन्होंने 150 से भी ज़्यादा तेज़ बॉल करा दी, शाहीन शाह अफरीदी भी, इससे कितना फ़ायदा हो रहा है आपको? जी, शाहीन भाई, हारिस भाई पाकिस्तान के स्टार हैं, उनसे तकरीबन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बहुत खुशी होती है हमें. चलें जमान, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस टुडे एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट. थैंक यू. नेक्स्ट अप, आई लाइक टू इनवाइट द लूजिंग कैप्टन टुनाइट फॉर पेशावर ज़ल्मी, वहाब रियाज. वहाब, टू मेनी रन्स? आई वुड से कि हाँ जी, मेरा ख्याल है कि लास्ट में हमने थोड़े से रन जो है वो थोड़े से एक्स्ट्रा दे दिया, बट आई स्टिल बिलीव के अगर फील्डिंग बेहतर करते तो शायद वी वुड हैव कवर्ड ऑल दैट. विकेट अच्छी थी जिस तरह से पहले बैटिंग हुई, बॉल अच्छा विकेट पे आ रहा था, डिफरेंट टू द रेस्ट ऑफ द पिचेस. बैटिंग में आपको क्या लगता है कहाँ टीम फॉल्टर कर गई? देखिए, जब आप 200 रन चेस कर रहे होते हैं तो आपको स्टार्ट बहुत अच्छा चाहिए, और आई थिंक जजई का एकदम जल्दी आउट हो जाना और उसके बाद कामी भाई और हुसैन तलत एक ही ओवर में आउट हो गए, उसकी वजह से आई थिंक टीम जो थे वो थोड़ा सा सेटबैक हो गया. लेकिन आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा लाहौर कलंदर को, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, मेरा ख्याल है उन्होंने हमारे लिए टारगेट मुश्किल कर दिया था. हैदर अली की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होंगे क्योंकि आज उन्होंने अच्छा खेला, तेज़ खेला, और उनके साथ साथ आपके पास मिडिल में बेन कटिंग भी मौजूद हैं, शोफिन रदरफोर्ड भी मौजूद हैं, शोएब भाई भी मौजूद हैं, इस किस्म की लॉर्ड से कितना फायदा होता है? देखिए, ये एक्सपीरियंस और यूथ है, और ऑब्वियसली हैदर का स्कोर करना इज़ ऑलवेज गुड क्योंकि हमें पता है कि कितना डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन वो है, और आई थिंक बेन कटिंग और रदरफोर्ड वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट आई थिंक कम मौका मिल रहा है उनको थोड़ा सा, और मेरा ख्याल है एज अ टीम हम लोग वो अभी तक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके, तो मोस्ट प्रॉबली कोशिश करेंगे कि आने वाले मैचेज में अच्छी क्रिकेट खेलें. चलिए वहाब, हार्ड लक टुनाइट, गुड लक फॉर द नेक्स्ट वन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नाउ ऑन टू द विनिंग कैप्टन टुनाइट लाहौर कलंदर्स, शाहीन शाह अफरीदी. शाइन, आखिर में 29 रन से जीत गए, कंफर्टेबल विन कह सकते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, के लिए आउटस्टैंडिंग, और जमान की मैं क्रेडिट दूंगा, यंगस्टर है, तीसरे मैच है, जैसे उसने परफॉर्मेंस किए, बिलीव था उस पर और उसने करके दिखे. बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने उनको यंगस्टर कहा, एक ही साल का उम्र में फ़र्क है आप में और उनमें, बट एक्सपीरियंस में यंगस्टर ज़रूर हैं, कितना इंप्रेस है उनकी परफॉर्मेंस से? नहीं, देखे काफ़ी खुशी होती है जब ऐसे इमर्जिंग प्लेयर आते हैं और ऐसे परफॉर्मेंसेज देते, तो काफ़ी खुशी हो रही है. पाकिस्तान का फ्यूचर है, उम्मीद है कि ऐसी बॉलिंग करता रहेगा, पाकिस्तान को जल्दी रिप्रेजेंट करेगा. बॉलिंग में हमने फास्ट बॉलर्स को देखा, आपने पहले मैच में 3 विकेट लिए, रऊफ ने 30, दूसरे में 3 विकेट लिए, आज जमान ने ली, तो स्पिनर्स को कोई चांस नहीं दे रहे? नहीं, देखे जैसे माशाल्लाह राशिद खान का रोल है वो करके दे रहा है, और उस पर पूरा बिलीव है कि यार वो जैसे लेके जा रहा है, उसको जब भी ओवर दिया है उसने विकेट ला के दिए, तो कोशिश है कि जैसे
बॉलर्स हैं हमारे मेन विकेट टेकर, उनको लेके आके वो विकेट दे हमें। और फखर जमान को किसी भी मैच से हम बाहर नहीं रख सकते, आज फिर उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला, 100 भी कर चुके हैं, लीडिंग रन स्कोरर हो चुके हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है फखर का, और अब्दुल्ला शफीक ने भी आज 41 किए, ओपनिंग स्टार्ट कितना ज़रूरी होता है। नहीं देखिए फखर, हम सबको पता है कि वो मैच विनर है और हमेशा उस पर है कि ये करके दे सकते हैं, और जैसे उसकी परफॉर्म जा रही है उससे उम्मीद है कि ये ऐसे इसको कंटिन्यू करे PSL में और पाकिस्तान टीम के लिए इसे लेके जाए। जाते जाते रऊफ़ ने कहा है कि वो अपनी शर्ट पे जल्द 155 लिखवा लेंगे, आज करीब पहुंच गए थे। नहीं अच्छी बात है, हारिस फाइटर है इस टीम का और उसने हमेशा एफर्ट्स दिए पाकिस्तान टीम के लिए भी, इस टीम के लिए भी कोशिश है कि वो इसको ऐसे ही लेके जाए और अच्छी परफॉर्मेंस अगले मैचों में नजर आए। शाइन, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम टुनाइट।